नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लास्टीज देख रहे हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बड़ी राहत मिली है, उनकी जमानत बरकरार रहेगी। देखिए, सीबीआई कोर्ट में आज उनकी पेशी हुई है और इस वक्त की बड़ी खबर, कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने तेजस्वी यादव की जमानत को बरकरार रखा है। देखिए, सीबीआई की ओर से याचिका दायर की गई थी और जमानत रद्द करने की मांग की गई थी। आज कोर्ट के भीतर खूब बहस हुई, चाहे वो तेजस्वी यादव के वकील हों या सीबीआई के पक्ष के जो वकील हों, दोनों ही वकीलों में खूब बहस हुई। लेकिन अंतोगत्वा फैसला ये निकल के आया कि तेजस्वी यादव की जमानत जो है वो बरकरार रहेगी। जो आधार दिया गया था, जो तमाम दलीलें दी गई थी सीबीआई की ओर से, उन तमाम आधार को निराधार बताया है। यानी कि सीबीआई कोर्ट में जब पेशी हुई तेजस्वी यादव की और सीबीआई के वकीलों ने जब बताया कि तेजस्वी यादव ने धमकाया है साक्ष को, कहीं ना कहीं उससे नुकसान होगा और तमाम बातें रखी। देखिए, तेजस्वी यादव ने पिछले दिनों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उसके बाद ये जो मुद्दा है वो गर्माता जा रहा है। लेकिन अब इसके बाद तेजस्वी यादव के वकील ने भी साफ साफ कह दिया कि तेजस्वी यादव की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है और विपक्ष का काम है सरकार के खिलाफ बोलना, तो हम तो सरकार के खिलाफ बोलेंगे ही। तेजस्वी यादव के वकील ने मजबूती के साथ सीबीआई कोर्ट में अपनी बातों को रखा है और इस वक्त की बड़ी खबर, फैसला सामने निकल के आ गया है। तेजस्वी यादव के वकील ने तमाम जो दलीलें दी हैं उसके बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि तेजस्वी यादव की जमानत जो है वो बरकरार रहेगी। साल 2018 से ही तेजस्वी यादव, जो कि IRCTC घोटाला मामले में अभियुक्त हैं, वो जमानत पर हैं और उनकी जमानत रद्द करने की बात की गई थी। ये कहा गया था कि धमकाया गया है, तो अगर धमकाया गया है सीबीआई के अधिकारियों को या ऐसी बातें कही गई हैं जिससे समझ में आता है कि हाँ सीबीआई को धमकी दी गई है तेजस्वी यादव के द्वारा, तो तेजस्वी यादव के वकील ने कोर्ट में कहा, तो आपने केस क्यों नहीं किया, तो आपने FIR क्यों नहीं किया। इसके अलावा सीबीआई के वकीलों ने चाहे जितने ही दलीलें क्यों ना दी हों, अंतोगत्वा कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि तेजस्वी यादव की जमानत जो है वो बरकरार रहेगी। जो आधार दिए गए हैं, जो बेस बनाया गया है, जो दलीलें दी गई हैं उसे निराधार बताया है और तेजस्वी यादव को कह सकें बड़ी राहत। बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव। इन दिनों बिहार में जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, आप देख रहे होंगे वो खुल करके जो उनके विरोधी हैं, चाहे वो BJP हो या तमाम जितने दल हों, उनके खिलाफ खुल करके बोल रहे हैं। यहाँ तक कि बिहार विधानसभा में भी CBI और ED पर कटाक्ष करते हुए ये तक कह दिया था कि जांच एजेंसियों को प्रभावित कर रही है केंद्र सरकार। और ऐसे में अब जब CBI कोर्ट में पेशी की बारी आई तो तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंचे, कल देर शाम को ही रवाना हुए थे और आज वो पेशी के लिए पहुंचे। इस दौरान ये जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, CBI कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। CBI कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि पूरा जो ये मामला है, जो CBI की ओर से याचिका दाखिल की गई है, वो निराधार है। तेजस्वी यादव की जमानत जो है वो बरकरार रखी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर जो निकल के आ रही है दिल्ली से, तेजस्वी यादव की जमानत जो है वो रद्द नहीं होगी और तेजस्वी यादव को बड़ी राहत। इस वक्त की बड़ी खबर दोनों ही वकीलों की ओर से, दोनों ही तरफ के वकील की ओर से, चाहे वो तेजस्वी यादव के वकील हो या CBI के वकील हो, दोनों ही वकीलों की ओर से जिरह हुई और खूब बहस हुई। इसके बाद अब फैसला आ गया है, तेजस्वी यादव को झटका नहीं लगेगा, तेजस्वी यादव की जमानत रद्द नहीं की जाएगी, उनकी जमानत को बरकरार रखा गया है। और उल्टा CBI की तरफ के लोगों को ही कहा गया है कि जो बेस वो बना कर लाए थे, जो आधार वो लेकर आए थे, वो निराधार है। एक तरह से CBI की तरफ से जो बातें रखी गई उसे निराधार बताया गया कोर्ट की ओर से और तेजस्वी यादव को बड़ी राहत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें। धन्यवाद।